नए 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 मुख्यमंत्री बने, उन पर इल्जाम लग रहा है। जगन के दफ्तर पर बुलडोजर चल गया, चंद्रबाबू नायडू ने नई नई शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश की। शपथ लेते ही आरोप लग रहा है, अगली तस्वीर दिखाऊं, आरोप लग रहा है कि वो बदला ले रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री से, जगन मोहन रेड्डी से। कैसे बदला ले रहे हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये जो आप देख रहे हैं ये है जगन का दफ्तर, जगन मोहन रेड्डी का दफ्तर था, चंद्रबाबू नायडू ने इस पर बुलडोजर चलवा दिया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू का बुलडोजर एक्शन, जगन का पूरा दफ्तर तोड़वा दिया गया। जगन कह रहे हैं ये तानाशाही है, नायडू कह रहे हैं कि अथॉरिटीज अपना काम कर रही है। आइए अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर के अलावा पोकलेन मशीनें लगाई गई थी, बहुत बड़ा भारी दफ्तर था जिस पर पूरी तरह से बुलडोजर चलवा दिया गया है। सिर्फ दफ्तर पर ही बुलडोजर नहीं चला है, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है जगन मोहन का घर, जगन मोहन रेड्डी आंध्रा के पूर्व सीएम, इनके घर पर भी सबसे पहले बुलडोजर पहुंच गया। तस्वीर देखिए अगली, जगन मोहन के घर पर जो बुलडोजर पहुंचा है, ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आप देखिए। 10 रोज पहले, लगभग एक हफ्ते पहले ये बुलडोजर पहुंचा जगन के घर पर, और घर पर भी बुलडोजर चल गया है। घर में जो हिस्सा अवैध था वो भी तोड़ दिया गया है। इसीलिए जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि नायडू नए तानाशाह बन गए। ये रिपोर्ट देखिए जरा, उत्तर प्रदेश की तरह दक्षिण के एक राज्य में भी बुलडोजर चलने लगा है। शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू का बुलडोजर गरज रहा है, और इसे लेकर विपक्ष चंद्रबाबू नायडू को तानाशाह नायडू कहने लगा है। दरअसल साल भर पहले नायडू सुबह 6 बजे गिरफ्तार हुए थे, और साल भर बाद नायडू सीएम बने तो सुबह 6 बजे ही पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया। 10 दिन के अंदर जगन पर नायडू का दूसरा बुलडोजर वार है। उनके घर के बाद दफ्तर पर भी नायडू ने बुलडोजर चलवा दिया है, तो जगन और उनकी पूरी पार्टी विरोध में उतर आई है। आंध्र के सीएम को तानाशाह नायडू कहने लगी है। वाईएसआर आरोप लगा रहे हैं कि नायडू विकास नहीं बदले की राजनीति कर रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आरोप लगा रही है कि जनता के पैसे से शीश महल खड़े करने वालों पर कार्रवाई तो होगी ही। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर बुलडोजर चला क्यों, इस पर ढेरों और हजारों सवाल हो रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है। जाते सत्ता जाते ही जगन मोहन को झटके पर झटके लग रहे हैं। आपको बताऊं, पहले हैदराबाद में जगन के घर के बाहर गार्ड रूम ढा दिया गया, अब वाईएसआर कांग्रेस के आलीशान दफ्तर पर अब बुलडोजर चल गया है। गुंदूर के तड़ेपल्ली में पार्टी का आलीशान दफ्तर बन रहा था, 9,365 वर्ग फीट में करोड़ों का दफ्तर बनकर लगभग तैयार था। कुछ दिन पहले जगन मोहन इसके उद्घाटन की तैयारी में थे बाकायदा, कि बन जाएगा तो उद्घाटन करूंगा शान से, लेकिन राज्य में सरकार बदल गई, दफ्तर की जांच तेज हो गई। आरोप है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर यह दफ्तर बन रहा था, सरकार ने बोटयार्ड यानी नाव रखने के लिए यह जमीन दी थी, सीएम रहते जगन ने यहां पार्टी ऑफिस बनाने की मंजूरी दे दी, इसी पर नायडू सरकार ने अब बुलडोजर चलवा दिया है। नायडू के बुलडोजर एक्शन से जगन मोहन आग बबूला हो गए। चंद्रबाबू नायडू बदले की राजनीति कर रहे हैं, जगन का कहना है वो एक तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आंध्र में नायडू दमन को एक नए स्तर पर ले गए, राज्य में कानून और न्याय तंत्र पूरी तरह खत्म हो गया है। वैसे 5 साल पहले, बड़ा दिलचस्प है, देखिए सत्ता बदलते क्या होता है, यह तस्वीर बताऊं मैं आपको। 5 साल पहले यही जगन मोहन रेड्डी ने भी कुछ ऐसा ही किया था, सीएम बनते ही नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलवा दिया था। नायडू ने 9 करोड़ में बने प्रजा वैदिका को ना गिराने की अपील की, लेकिन जगन सरकार ने अवैध बताकर उसे गिरा दिया। तो सत्ता चीज ही ऐसी है, बदलने के बाद क्या होता है यह भी आपने देख लिया। नायडू के बुलडोजर एक्शन से अब जगन आग बबूला हो गए। जरा सुनिए, अब आपको सुनवाने जा रहा हूं कहा चंद्रबाबू नायडू बदले की राजनीति कर रहे हैं,
उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू वो एक तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं, आंध्र में नायडू दमन को नए स्तर पर ले गए। सुनिए जरा क्या कुछ कहने वाईएसआर और टीडीपी। सिक्स बुलडोजर्स केम टू डिमोलिश वाईएसआरसीपी ऑफिस एट ताड़ेपल्ली मंगलगिरी विदाउट एनी ड्यू प्रोसीजर फॉलोइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ दट फॉर वेंडेटा पॉलिटिक्स। टुडे तेलुगुदेशम पार्टी given orders to CRDA and CRDA. It is shameful that the YCP party and former CM Jagan Mohan Reddy is crying foul. Being the chief minister, he clearly knows the kind of rules that they have violated and that land doesn't belong to YCP party. Here is a letter from the irrigation department. So Jagan ka ghar gir gaya, घर पर बुलडोजर चल गया, दफ्तर पर बुलडोजर चल गया, अभी रिजॉर्ट बचा है। बताया जा रहा है कई सौ करोड़ का रिजॉर्ट है। तस्वीरें देखेंगे तो आंखें चौंधिया जाएंगी। ये देखिए जरा, ये पहाड़ी नजर आ रही है, ऊपर पूरी पहाड़ी है और इस पहाड़ी के आगे ये रिजॉर्ट आप देख रहे हैं जो बनकर तैयार है, भव्य रिजॉर्ट। देखिए तस्वीरों में, जगन मोहन ने मुख्यमंत्री रहते ये रिजॉर्ट बनवाया है। समंदर किनारे जगन का ये शीश महल है। वैसे मुख्यमंत्रियों को शीश महल बनवाने के शौक है। एक यहां के भी मुख्यमंत्री हैं, उनके शीश महल भी चर्चा में रहते हैं। दिल्ली के बाद आंध्र प्रदेश का एक शीश महल सुर्खियों में। आंध्र के पूर्व सीएम जगन ने समंदर किनारे रिजॉर्ट बनवाया। विशाखापट्टनम के रुचिकोंडा पहाड़ी में 10 एकड़ में यह महल है। 5 स्टार होटल से ज्यादा आलिशान रिजॉर्ट का नाम है जगन पैलेस। आपको बताऊं, आरोप है कि जगन ने 500 करोड़ में यह आलीशान महल बनाया। इस रिजॉर्ट पैलेस में एक थिएटर हॉल, 12 लग्जरी बेडरूम, इंटीरियर से सजावट तक में पानी की तरह पैसा बहा दिया गया। 15-15 लाख रुपए के तो 200 झूमर लगाए गए। 33 करोड़ रुपए घर के इंटीरियर पर खर्च हुआ है। लाखों रुपए के स्पा सेंटर और मसाज टेबल भी है इस पैलेस में। अकेले 40 लाख रुपए का, देख रहे हैं, बाथरूम टब जो है इसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। एक बाथरूम 500 स्क्वायर फीट का है, मतलब आम आदमी के फ्लैट से 4 गुना बड़ा, और हर बाथरूम में 10-10 लाख का बाथ टब लगा है। बाथरूम में लगे कमोड की कीमत भी 12 लाख रुपए है। अब देखिए जरा, महल के बाहर शानदार पार्क और नहर तक बनी है। इसमें 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने जगन के इस पैलेस पर सवाल उठाए, कहा 95 करोड़ तो सिर्फ पहाड़ी काटकर समतल करने में लगा दिए। जगन ने जनता से छिपाकर ये करोड़ों का महल बनवाया, जनता को पैलेस ना दिखे इसके लिए 20 फीट बैरिकेडिंग कराई गई। ये है बुलडोजर की असली कहानी और सियासी प्रतिद्वंदिता कहां तक पहुंच जाती है उसकी भी एक नजीर है। आइए खबरों